मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा प्रेजेंटेशन विश्व के महान गणितज्ञ गॉस के बारे में है। इस प्रेजेंटेशन में हम गॉस का छोटा सा जीवन परिचय और उनके द्वारा गणित के क्षेत्र में किए गए विभिन्न कार्यों के बारे में जानेंगे। गॉस जर्मनी के महान गणितज्ञ और भौतिक विज्ञानी थे जिन्होंने गणित और विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गॉस का जन्म 30 अप्रैल 1777 को ब्रुंसविक में हुआ था। गॉस की गणित में रुचि उनके शुरुआती जीवन में ही दिखती है। जब वे 3 वर्ष के थे तो उन्होंने अपने पिता की पेरोल में गलती का सुधार किया। 5 वर्ष की आयु में वे पिता के हिसाब किताब नियमित रूप से देखने लगे। 7 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने शिक्षक को तब चौंका दिया जब उन्होंने पलक झपकते ही 1 से 100 तक की गिनतियों को जोड़ दिया। गणित में गॉस का योगदान। गॉस पहले गणितज्ञ थे जिन्होंने अभाज्य संख्याओं में किसी तरह का पैटर्न खोजा था। उन्होंने 17 भुजाओं की आकृति का निर्माण सिर्फ रूलर और प्रकार की मदद से किया था। 22 वर्ष की आयु में उन्होंने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एलजेब्रा को सिद्ध किया। गॉस द्वारा प्रकाशित पुस्तक डिस्क्रिप्शंस अर्थमेटिशिया को आधुनिक नंबर थ्योरी की नींव समझा जाता है। प्रायिकता और सांख्यिकी के क्षेत्र में उन्होंने गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, गॉसियन फंक्शन और गॉसियन एरर को उत्पन्न किया। गॉस का योगदान केवल गणित के क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने सर्वेक्षण के दिनों में हेलियोट्रॉप नामक यंत्र की खोज की। बाद में वेबर के साथ पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के मापन में भी योगदान दिया। इन सभी विशेषताओं के कारण गॉस को प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता था। उनकी मृत्यु 23 फरवरी 1855 को हुई। धन्यवाद।